आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रुद्रम 3 के बारे में। लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से रुद्रम 3 मिसाइल कैरी करने के लिए भारतीय वायुसेना के Su-30 MKIs को मॉडिफाई किया जा रहा है। रुद्रम 3 एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल होगी। ये सिस्टम रशियन किंजाल मिसाइल के ही तरह होगा, लेकिन इस सिस्टम में डुअल मोटर का प्रयोग किया जाएगा। रशियन किंजाल मिसाइल स्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइल को मॉडिफाई करके बनाई गई है। इस मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक की है। ये मिसाइल 500 केजी का वॉरहेड कैरी करती है और इसको रशियन फाइटर जेट्स MiG-31 या स्ट्रेटेजिक बॉम्बर Tu-22 से लॉन्च किया जा सकता है। वहीं इसके उलट भारतीय सिस्टम यानी कि रुद्रम 3 डुअल मोटर का प्रयोग करेगी और इस मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर तक की होगी। ये मिसाइल भी किंजाल की तरह हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। वहीं ये मिसाइल 200 केजी का वॉरहेड ले जाने में सक्षम होगी। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये मिसाइल तकरीबन 1.5 टन से थोड़ी ज्यादा वजन वाली मिसाइल होगी और इसका डायमीटर आधे मीटर से थोड़ा कम होगा, यानी कि फिजिकली ये काफी बड़ी मिसाइल होगी और इसी वजह से इस मिसाइल को Su-30 MKI के ऊपर ही कैरी किया जा सकेगा। इस मिसाइल को कैरी करने के लिए भारतीय वायुसेना के Su-30 MKIs में मॉडिफिकेशन किया जा रहा है और आने वाले समय में इन्हीं फाइटर जेट्स के ऊपर से इस मिसाइल का प्रयोग किया जाएगा। इस मिसाइल को लेकर जो टेंडर डॉक्यूमेंट बाहर आया है उसके हिसाब से अभी जो आपकी स्क्रीन पर फोटोग्राफ दिख रही है ये मिसाइल कुछ इस तरीके से दिखेगी। और जैसा कि लेटेस्ट अपडेट आया है कि इस मिसाइल में 2 मोटर का प्रयोग किया जाएगा, तो सेक्शन 6 के पास में पहली मोटर होगी, सेक्शन 5 के पास में सेपरेटर यूनिट होगी और सेक्शन 4 के पास में दूसरी मोटर होगी। अगर अभी की बैलिस्टिक मिसाइल्स को देखा जाए तो इनके मोटर्स का प्रयोग इस एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल में नहीं किया जा सकता। इस रिक्वायरमेंट के लिए दूसरी छोटी मोटर्स बनानी पड़ेंगी, क्योंकि इस मिसाइल के जो प्रपोज डाइमेंशंस हैं वो कंपैरेटिवली छोटे होंगे और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस रिक्वायरमेंट के लिए प्रहार फैमिली की मिसाइल्स एक बेस प्लेटफॉर्म हो सकती हैं। हालांकि प्रहार मिसाइल एक सिंगल स्टेज रॉकेट वाली मिसाइल है और रुद्रम 3 में 2 मोटर का प्रयोग किया जाएगा। अगर आप टेंडर डॉक्यूमेंट में दिए गए डायग्राम को लेकर प्रहार मिसाइल से मैच करेंगे तो इसमें जो मेजर डिफरेंस नजर आएगा वो होगा फिन और विंग कॉन्फ़िगरेशन में, क्योंकि डायमीटर में ये दोनों मिसाइल्स ऑलमोस्ट सेम होंगी। हालांकि अगर इसके फिन और विंग कॉन्फ़िगरेशन को देखा जाए तो ये किंजाल से ज्यादा मिलता है और इसी वजह से स्पेकुलेशंस लगाई जा रही हैं कि इस मिसाइल के लिए एक नई तरीके की मोटर बनाई जाएगी जो कि प्रहार फैमिली से कंपैरेटिवली छोटी होगी। अगर रशियन किंजाल की बात की जाए तो इस मिसाइल को लॉन्च करने के लिए MiG-31 को मॉडिफाई किया गया है। इस रिक्वायरमेंट के लिए रशियन एयरफोर्स के 10 MiG-31 को मॉडिफाई किया गया है और कुछ इसी तरीके की चीज भारतीय वायुसेना के Su-30 MKIs के साथ में की जाएगी। रुद्रम 3 की रेंज 1000 किलोमीटर तक की होगी और ये मिसाइल एक हाइपरसोनिक क्वासी बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगी, यानी कि ये मिसाइल एटमॉस्फेयर के टॉप तक जाकर जहां पर एयर रेजिस्टेंस बहुत कम होगा वहां पर मूव करेगी और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये मिसाइल अपने पूरे फ्लाइट पाथ के दौरान कहीं पर भी मनूवर कर सकती है। आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइल बहुत ज्यादा मनूवरेबल नहीं होती हैं, लेकिन क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल कंपैरेटिवली ज्यादा मनूवरेबल होती हैं और ये मिसाइल इसी तरीके की ट्रेजेक्ट्री का प्रयोग करेगी। ये मिसाइल फिक्स टारगेट्स को काफी आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकेगी, साथ ही ये मिसाइल मूविंग टारगेट्स को भी टारगेट करने में सक्षम होगी, यानी कि इस मिसाइल का प्रयोग एंटी शिपिंग रोल में किया जा सकेगा। एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल एंटी शिपिंग रोल में बहुत ज्यादा घातक होने वाली है और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये अभी के सभी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स में से एक है। इस मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट भारतीय सेनाओं को एक अनमैच्ड पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा और जब Su-30 MKI अंडर द बेली एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को कैरी करते हुए दिखाई देंगे तो उसका डिटरेंस इफेक्ट बहुत भयंकर होने वाला है। ये सारी इन्फॉर्मेशन टेंडर डॉक्यूमेंट से ली गई है और उसके हिसाब से ये स्पेकुलेट किया जा सकता है कि इस मिसाइल का डेवलपमेंट काफी एडवांस स्टेजेस में है। ये एक मिसाइल जो रीजन का जियोपॉलिटिकल बैलेंस है उसको पूरी तरीके से शिफ्ट कर देगी, क्योंकि रुद्रम 3 के साथ में अगर अंडमान और निकोबार आइलैंड से Su-30 MKI टेक ऑफ करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आप इमेजिन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।